हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा शर्मा। दोस्तों, जब नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर मास्टर कर लेते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक समस्या आती है कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। मोस्टली स्टूडेंट्स के सामने यही प्रॉब्लम आती है। मैंने भी फेस की थी जब मैं अपनी पीएचडी स्टार्ट करना चाहता था। उससे पहले काफ़ी लोगों से सलाह भी ली, किसी सबसे पूछा भी, बट कोई क्लियरली गाइड नहीं कर पाया कि हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। सब लोग इधर उधर की बातें करके निकाल देते हैं। रियलिटी ये होती है कि वो भी नहीं जानते हैं कुछ लोगों को छोड़ के कि हम कैसे गाइड करें, और जो जानते हैं वो बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, कि हम रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। बस एक जवाब रहता है कि अपना इंटरेस्ट देख लो, जो अपना इंटरेस्ट हो उस पर रिसर्च कर लो। सबका जवाब ये रहता है कि जो इंटरेस्ट हो जिस टॉपिक में उस पर रिसर्च कर लो। अब इंटरेस्ट हमारा, एक जो बंदा मास्टर्स करके बाहर निकला है, नेट क्वालिफाई करके निकला है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, कैसे है, इसको उसे भी अपने माइंड में रिसर्च करना है, ठीक है। बट उसको कोई गाइड नहीं करता है, बोलते नहीं, बोलते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर लो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर लो। बट वो कैसे फाइंड करे कि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सपोज दैट हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें इंटरेस्ट है इंडियन लिटरेचर में। हम बोल रहे हैं कि हम इंडियन लिटरेचर में पीएचडी करेंगे, बट अब यहाँ भी तो टॉपिक सर्च करने हैं, ठीक है। हम लिटरेचर के हैं, हमें इंटरेस्ट है कि मुझे तो अमेरिकन लिटरेचर करना है, मुझे लिटरेचर में करना है, मुझे ब्रिटिश में करना है, कनाडा लिटरेचर में करना है मुझे तो। बट वहाँ भी तो फाइंड है, मुझे तो नॉवेल्स में करना है, मुझे तो चेतन भगत पे करना है, बट कैसे करना है वो भी तो टॉपिक फाइंड कैसे करना है, वो हम कैसे जाने, वो हमें कोई नहीं बताता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जब हम रिसर्च के लिए जाते हैं, रिसर्च के बारे में सोचने लगते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा। चर्चा करने से पहले बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आप कॉलेज से निकले हैं मास्टर्स करके, आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं करना चाहते हैं, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, सेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि आप कैसे सेलेक्ट करें रिसर्च टॉपिक, ठीक है। तो ऑनेस्टली अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे सर्च करें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको लग रहा है कोई गाइड कर सकता है, कोई प्रोफेसर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर लो, तो आप डेफिनेटली उनसे सजेशन ले लीजिए, ठीक है। अगर वो क्लियरली नहीं कर आपको बता पा रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या आप क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि सजेशन भी नहीं मिल पाते हैं, हम खुद ही अपने आप में घूमते रहते हैं कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका है हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आपको क्या करना है, आप नेट सभी का होता है, आपको नेट ऑन करना है और अपना टाइप करना है। कुछ वेबसाइट हैं जैसे एकेडमिया या शोध गंगा, ठीक है, आपको वो टाइप करना है। आई विल रिकमेंड यू शोध गंगा, ठीक है, आपको शोध गंगा टाइप करना है, गूगल पे टाइप करो शोध गंगा, ठीक है। शोध गंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ काफ़ी सारे रिसर्च थीसिस वगैरह और आर्टिकल ऐसे वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप शोध गंगा टाइप करेंगे, वहाँ आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना, देन यू हैव टू सर्च दैट टॉपिक। आफ्टर दैट यू विल फाइंड लॉट ऑफ टाइप ऑफ थीसिस एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन। आप शोध गंगा पे अपना टॉपिक टाइप कीजिए, वहाँ काफ़ी सारे थीसिस आ जाएंगे, ठीक है, आप उन थीसिस को स्टडी कीजिए, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, सपोज दैट इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल है, एनी अदर, आप वो टाइप कीजिए, उसमें काफ़ी सारे थीसिस आ जाएंगे नीचे, ठीक है, आप उन थीसिस को स्टडी कीजिए। थीसिस का टाइटल लिखा होता है और पीडीएफ में होते हैं वो सभी, आप टाइटल पढ़िए कि किस बंदे ने किस टाइटल पे स्टडी की है, ठीक है। नो डाउट कि आप जब 10, 20 या 50 टाइटल स्टडी करेंगे तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, देयर यू विल फाइंड वन टॉपिक रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, ठीक है। वहाँ आपको अपने इंटरेस्ट का 50 टाइटल स्टडी कीजिए, आपको 5 टाइटल कम से कम मिल जाएंगे, ठीक है। आप 5 टाइटल शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, उन 5ों को लिख लीजिए,
ठीक है, जैसे आपका लिटरेचर है, लिटरेचर में आपने लिखा है ब्रिटिश लिटरेचर या शेक्सपियर पे स्टडी करना है तो लिखा है, ठीक है, आपको 5 थीसिस मिल जाएंगे, वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए आपने 5, उसमें आप अपना दिमाग लगाइए कि 5ों पे हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है, मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनमें से ही कोई टॉपिक आपके दिमाग में निकल के आएगा और आप उसे सर्च कीजिए कि कहीं इस टॉपिक पे तो रिसर्च नहीं हो गया है, उस पे नहीं हुआ होगा, देन यू कैन इजिली सेलेक्ट दैट टॉपिक फॉर योर रिसर्च, ठीक है, आफ्टर दैट आप उस रिसर्च पे अपना रिसर्च उस टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल बनाइए और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। सो ये सबसे आसान तरीका है, शोध गंगा जाइए, शोध गेट होता है एक वेबसाइट, उस पे जाइए, अकेडमिया है एक, उस पे जाइए, कई सारी वेबसाइट है, बट बेटर है शोध गंगा, आई विल रिकमेंड यू टू सर्च शोध गंगा अकेडमिया शोध गेट सच टाइप्स। सो इस तरह से आप अपना रिसर्च टॉपिक ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं और इस समस्या से आसानी से छुटकारा पाकर अपनी लाइफ में रिसर्च कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।